नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है सासू माँ की गुलाबी साड़ी। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। अरे बहू, पंडित जी ने जो सामान बताया था वह सब आ गया है ना? शांति देवी जी ने अपनी बहू संजना से पूछा। संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। शांति देवी जी के घर में सत्यनारायण जी की पूजा रखी गई थी, उसी की तैयारियां चल रही थी। संजना को बहू बनकर आए हुए अभी 2 महीने ही हुए थे, लेकिन सास बहू इतनी घुल मिल गई थी कि उन्हें देखकर लगता था मानो वो दोनों सास बहू नहीं बल्कि सहेलियां हों। शांति देवी जी ने कबर्ड खोलकर उसमें से एक गुलाबी रंग की बनारसी साड़ी निकालकर कहा, देख तो कैसी लग रही है ये साड़ी, कल पूजा में मैं यही साड़ी पहनूंगी। इतना बोलकर वो उस साड़ी पर प्यार से हाथ फेरने लगी। उनके चेहरे पर एक स्निग्ध मुस्कुराहट तैर गई। संजना ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, क्या बात है मम्मी जी, ये साड़ी आपको पापा जी ने गिफ्ट की है क्या, जो आप इतने प्यार से छू रही हैं? शांति देवी जी ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा, धत पगली, कुछ भी बोलती है तू, अरे यह साड़ी तो मेरे लिए बहुत ही खास है। जानती है क्यों? क्योंकि यह साड़ी मेरी सासू माँ ने मुझे मेरे पहले करवा चौथ पर दी थी। यह साड़ी मेरी सासू माँ की है और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप यह साड़ी मुझे दी थी, क्योंकि शादी के बाद से इस साड़ी पर मेरा मन आ गया था। यह साड़ी मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी और सासू माँ को भी ये बहुत पसंद थी। मैंने उनसे हजार बार मिन्नतें की थी कि एक बार मुझे यह साड़ी पहनने दीजिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं दी। लेकिन करवा चौथ वाले दिन उन्होंने यह साड़ी हमेशा के लिए मुझे दे दी और मैंने भी इसे एक धरोहर की तरह बड़े प्यार से संभाल कर रखा है आज तक, और आगे चलकर मैं यह साड़ी तुम्हें देने वाली हूँ। इसमें मेरी सासू माँ के साथ साथ मेरा आशीर्वाद भी तुम्हें मिलेगा, और देखो तुम्हें भी साड़ी को बहुत संभाल कर रखना है। मेरी अमानत को संभाल कर रखोगी ना बेटा? संजना मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं मम्मी जी, जब आप मुझे यह साड़ी देंगी तो देखना मैं भी इसे कितना संभाल कर रखूंगी। शांति देवी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा रख लेना इसे संभाल कर, लेकिन पहले मैं इसे जरा प्रेस कर लेती हूँ, कल पूजा में पहननी भी तो है। संजना ने हाथ पसारते हुए कहा, लाइए मैं इसे प्रेस कर देती हूँ। शांति देवी जी ने झट से कहा, नहीं नहीं इसे तो मुझे ही संभाल कर प्रेस करना होगा। संजना मुस्कुराते हुए बोली, क्यों मम्मी जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या कि मैं साड़ी को संभाल कर प्रेस कर पाऊंगी? अरे अभी आप ही तो कह रही थी कि आप आगे चलकर ये साड़ी मुझे देने वाली है, तब तो मैं ही इसे संभालूंगी ना, लेकिन आज तो आप मुझे प्रेस भी नहीं करने दे रही हैं। जाइए मैं आपसे रूठ जाऊंगी। अपनी बहू का ये प्यार भरा मनुहार देखकर शांति देवी जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए वह साड़ी उसे दे दी। संजना भी उस साड़ी को अपने हाथों में किसी नवजात शिशु की भांति संभाले हुए अपने कमरे में आ गई। तभी उसकी सहेली का फोन आ गया। उसने झट से फोन रिसीव किया और सहेली से बातें करने लगी। उसने अपनी सहेली को भी पूजा में आने के लिए निमंत्रण दे दिया। बातें करते हुए वो साड़ी भी प्रेस करने लगी। प्रेस करते हुए ना जाने कैसे उससे भूल हो गई और साड़ी बीच में थोड़ी सी जल गई। अब तो संजना के प्राण ही सूख गए। उसने जल्दी से फोन रखा और माथा पकड़कर धम्म से बिस्तर पर बैठ गई कि यह क्या हो गया। वो अपने आप को कोसने लगी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने, इससे अच्छा तो मैंने यह साड़ी सासू माँ को ही प्रेस करने दी होती। एक तो मैं जिद करके यह साड़ी ले आई और ऊपर से अब इसे जला भी बैठी। अब मैं मम्मी जी को क्या जवाब दूंगी, उनकी तो जान बचती है इस साड़ी में, अब मैं क्या करूं? कपड़ा भी ऐसा था कि एक बार जलना शुरू हुआ तो वहां जल्दी ही बहुत बड़ा छेद बन गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी शांति देवी जी उसके कमरे में आई और बोली, अरे बहू जरा यह ब्लाउज भी। आगे के शब्द उनके गले में ही रह गए। उन्होंने देखा कि उनकी बहू लाल आंखों के साथ जली हुई साड़ी लेकर बैठी थी। शांति देवी जी का चेहरा सफेद हो गया।
और वह स्तब्ध होकर खड़ी ही रह गई। अपनी सास को देखते ही संजना सिसकते हुए बोल पड़ी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, गलती से मुझसे यह साड़ी जल गई। शांति देवी जी गुस्से से बोल पड़ी, अरे बहू यह तुमने क्या कर दिया, ये काम भी ढंग से नहीं होता है तुमसे। मैंने कहा था ना कि मेरी साड़ी प्रेस मत करो, देखा तुमने जला दिया ना। मैं यह साड़ी हर शुभ कार्य में पहनती थी, मुझे तो लग रहा है यह साड़ी जलाकर तुमने बहुत बड़ा अपशगुन कर दिया है बहू। शांति देवी जी झल्लाते हुए गुस्से में पैर पटक कर वहां से अपने कमरे में चली गई। संजना देर तक आंसू बहाती रही, लेकिन आंसू बहाने से अब मिलने भी क्या वाला था, साड़ी तो ठीक होने वाली नहीं थी। वह सोचने लगी, आज मैंने मम्मी जी को बहुत नाराज कर दिया और उनकी नाराजगी जायज भी है, उनकी इतनी प्यारी चीज को मैंने ऐसे बर्बाद कर दिया। ग्लानी के कारण उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसने बेमन से अपने आंसू पोंछे और बोझिल कदमों से चलती हुई रसोई में डिनर की तैयारी करने के लिए चली गई। पूरे समय संजना उदास सी रही। उसके पति और ससुर जी ने समझा कि पूजा की तैयारियों की वजह से संजना थक गई है, लेकिन संजना के मलिन मुख की असली वजह तो केवल शांति देवी जी ही जानती थी। अगले दिन पूजा में सासू माँ ने दूसरी साड़ी पहन ली थी। संजना को तो सासू माँ से बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दोनों सास बहू के बीच एक अजीब सा मौन पसर गया था। संजना तो अपराध बोध के मारे अपनी सास से नजरें चुराए हुए घूम रही थी। पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। अगले दिन लंच के बाद संजना अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर खोई हुई सी बाहर देख रही थी। सासू माँ से बातचीत बंद हो जाने के कारण उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतने में उसे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो शांति देवी जी उसके पीछे खड़ी थी। उन्हें देखते ही संजना नजरें चुराते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, आपकी साड़ी मैंने जानबूझकर नहीं जलाई। शांति देवी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ बहू, तुम जानबूझकर ऐसा क्यों करोगी। संजना ने धीमे स्वर में कहा, हाँ लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपको वह साड़ी कितनी प्यारी थी और आप तो उसे मुझे भी देने वाली थी, मैंने सब बर्बाद कर दिया। शांति देवी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है बहू, यह देखो। इतना बोलकर उन्होंने उसके सामने एक पैकेट रख दिया और बोली, इसे खोल कर देखो। संजना ने उत्सुकतावश जल्दी जल्दी वह पैकेट खोला तो उसने देखा कि उस साड़ी से एक सुंदर सा सूट तैयार हो चुका था। शांति देवी जी मुस्कुराते हुए बोली, देख बहू मैंने तेरी गलती को कितने अच्छे तरीके से सुधार लिया है और देख ले तू कितना प्यारा सूट बनकर तैयार हुआ है, आखिर मुझे वह साड़ी तुम्हें ही देनी थी। तो साड़ी के रूप में ना सही, सूट के रूप में ही सही, मैंने उस साड़ी से तुम्हारे लिए सूट बनवा दिया। अब लो संभालो हमारी धरोहर और मेरे आशीर्वाद को, इसका बस रूप बदला है लेकिन इसमें प्यार और आशीर्वाद अभी भी उतना ही है। संजना खुशी से भाव विभोर हो अपनी सास के गले लग गई। उसकी आंखों में आनंद अश्रु उमड़ पड़े। शांति देवी जी ने अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, और तुम भी मुझे माफ कर दो बहू, उस दिन गुस्से में मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया था। संजना ने झट से उनकी हथेली को थामते हुए कहा, नहीं मम्मी जी आपका गुस्सा होना भी जायज था, प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए। शांति देवी जी ने प्यार से बहू के चेहरे को हथेलियों में भरकर उसके माथे को चूम लिया। संजना अपनी सास के स्नेहिल स्पर्श से भाव विभोर हो उठी। आज उसकी सास ने ना केवल उसे अपनी साड़ी बदले हुए रूप में दे दी थी, बल्कि उसकी गलती को जिस तरीके से संभाल लिया था उससे संजना को यकीन हो गया था कि भविष्य में आगे भी चाहे कुछ भी हो सास बहू का रिश्ता ऐसे ही प्यार से महकता रहेगा। तो दोस्तों आपको ये खूबसूरत सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।